सो हाई गाइज, आदर्श हियर। WBJEE की काउंसलिंग यार स्टार्ट हो चुकी है, और WBJEE में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस बार की जो काउंसलिंग होगी जेई मेंस के थ्रू और WBJEE के थ्रू आप लोग एक साथ भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को जरूरत पड़ सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को चल के दिखाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना, और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगी, लिंक मैंने गूगल फॉर्म की डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, उसको जाके फिल कर लीजिएगा, आप लोगों से कंसल्ट किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद 500 लोग 1000 लोग उस गूगल फॉर्म को भरे, इतनी सीटें हैं नहीं तो सारे बच्चों के एडमिशन हो नहीं पाएगी। ये एक दुख वाली चीज है, बट ये रियलिटी है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को ये पता नहीं कि मुझे कौन से कॉलेज किस रैंक पे मिलेगी, तो आप हमारी एप्लीकेशन JEE 360 को अभी तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए, और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज प्रिडिक्टर मिलेगा। हो सकता है कि वो डेटा एक साल पुराना हो, पर दिक्कत क्या है यार, हम लोगों को ये तो पता चल रहा है ना कि किस रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है, तो वहां से जाके आप लोग प्रिडिक्ट कीजिए और उस कॉलेज को आप लोग उस हिसाब से आप लोग वहां पे रैंकिंग वाइज भर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि अगर आप लोगों को टॉप कॉलेज के बारे में नहीं पता है, तो मैंने वीडियो बनाया है WBJEE टॉप कॉलेज के ऊपर, उसको भी आप लोग जाके आराम से। ये रही यार आप लोगों की WBJEE की ऑफिशियल वेबसाइट, यहां पे आके आप लोग सबसे पहले तो और भी जो भी डिटेल्स वगैरह है ना उसको आप लोग देख सकते हैं, और यहां पे आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, हम लोग यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, और न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद यहां पे सारी डिटेल्स दी गई है, आप चाहें तो यहां पे पढ़ सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस तरीके से पासवर्ड बनाना है, अग्री करके हम लोग यहां पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब हम लोग यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहां पे हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे कि आप लोग किस तरीके के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्या सिर्फ जेई मेन से करना चाहते हैं, क्या सिर्फ WBJEE से करना चाहते हैं, या फिर जेई मेन्स और WBJEE दोनों से करना चाहते हैं। तो तीनों ही बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पे WBJEE और जेई मेन्स दोनों के ही थ्रू करेंगे। होता क्या है कि अगर आप जेई मेन्स के थ्रू करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, WBJEE के थ्रू जो होती है वो होती है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेज में एडमिशन। तो हम लोग जब जेई मेन्स और WBJEE दोनों ही करेंगे तो क्या होता है कि जेई मेन्स से हम लोगों को कुछ कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं, अगर आपकी रैंक थोड़ी नीचे रहे तब भी। और उसके बाद WBJEE और जेई मेन्स की एप्लीकेशन नंबर और सारी डिटेल्स को यहां पे भरेंगे, कैंडिडेट नेम हम लोग यहां पे भरेंगे, और उसके बाद अपना मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन भर के हम लोग आगे प्रोसीड यहां पे करेंगे। अब हम लोगों का ये स्टेप पूरा हो चुका है, यहां पे हम लोगों को अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी देनी है, जो कि हम लोगों को आगे चल के भी काम आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें यहां पे गलत मत भरिएगा। बात आती है पासवर्ड की, तो पासवर्ड में आप लोगों का एक कैपिटल लेटर होना जरूरी है, एक स्मॉल लेटर होना जरूरी है, और स्पेशल केस लेटर होना जरूरी है। तो आप लोग पासवर्ड बना सकते हैं Ramu@2002 Ramu@2003, इस तरीके का पासवर्ड आप लोग बना लीजिएगा। प्रोसीड कीजिएगा, OTP आएगी आपकी, और OTP आने के बाद आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है। तो आप लोगों की जो मोबाइल पे OTP आ गई होगी, रजिस्ट्रेशन हम लोगों का पहला कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, इसके बाद हम लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, और उसके बाद हम लोगों को फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम लोग फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे यहां पे जाएंगे, और यहां पे हम लोगों को सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड आपका पहले जो डेटा आपने भरा है उसके हिसाब से, और उसके बाद आप लोगों को कुछ स्टेट ऑफ डोमिसाइल वगैरह इन सारी चीजों को यहां पे भरना पड़ता है। कुछ चीजें जो आप लोग WBJEE की जो एप्लीकेशन नंबर डालते हैं वहां से फेच हो जाता है। उसके बाद यहां पे आप लोगों को बैंक डिटेल्स वगैरह भी भरनी पड़ती है यार। तो बैंक डिटेल्स का मतलब ये है कि जैसे कि यहां पे एक जो आप लोगों को अदर इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आप नाटा का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं। तो नाटा का अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा तो उसको आप लोग यहां पे यस अदरवाइज नो कर दीजिएगा, बैंक डिटेल्स भरिएगा, यहां पे आप लोगों को आगे रिफंड आएगी और प्रोसीड कीजिएगा। जैसे ही हम लोग यहां पे प्रोसीड करेंगे तो 10th और 12th की इक्विवेलेंट जो मार्क्स है वो हम लोग को यहाँ पे भरना है। अगर आप पास है तो पास लिखिएगा, कितने नंबर की परीक्षा हुई थी और कितने नंबर उसमें आए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे भरना है। उसके बाद क्लास 12th और इक्विवेलेंट आप लोगों को डिटेल्स भरनी है। क्लास 12th में आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप लोगों की पासिंग ईयर है वो भरिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2023 थी वो भरी गई, जो बोर्ड वगैरह है उस चीज़ को सेलेक्ट किया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और उसमें मार्क्स कितने आए उन चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। रिजल्ट जो हम लोगों को आया वो परसेंटेज में था या CGPA में था उस चीज़ को आप लोगों को सेलेक्ट करना है, और हम लोगों को फिर आगे बढ़ना है। और नीचे में आप लोगों को यहाँ पे ना सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, मैथमेटिक्स में कितना, तो इन चीज़ों को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। बायोलॉजी आपने लिया है तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने लिया है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज उसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अगर आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। कई बार ना यहाँ पे कुछ फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे यहाँ पे भर देते हैं, वोकेशनल में लिख के वो भर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसे परेशानी नहीं आएगी। प्रोसीड हम लोग यहाँ पे करेंगे आगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब यह है कि जिस जगह पे आप अभी रहते हैं, और परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है, इन दोनों ही चीज़ों को आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा। अब हम लोग को यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, यस के ऊपर हम लोग क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाएंगे।
अब हम लोग के पास यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिख रहे हैं जो कि WBJEE और JEE मेंस के थ्रू टोटल दिख रहे हैं 532। इसमें जिन बच्चों का परसेंटेज कम होता है, जिन बच्चों का और भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिन बच्चों ने सिर्फ WBJEE से अप्लाई किया, तो हर किसी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस अलग होंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि 500 का रजिस्ट्रेशन फी करना है, तो उसको हम लोग जल्दी से पेमेंट करके आगे प्रोसीड करते हैं। चॉइस फिलिंग वगैरह करना है, सारी चीज़ें हम लोगों की हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, कौन कौन से चॉइसेस अवेलेबल है आप लोग यहाँ पे आके कॉलेज वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके चॉइसेस अवेलेबल हैं, और फिर उसके नीचे जो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग का, तो आप लोग सबसे पहले आके चॉइसेस देख लीजिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप लोगों की कौन कौन से चॉइसेस दिख रही हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जाके चॉइस फिलिंग में चॉइस फिल में यार बहुत सारे आप लोगों के पास ऑप्शंस दिखते हैं, ऊपर से नीचे तक लेके बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिखेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक रैंडम चॉइस फिलिंग कर रहा हूं, लेकिन जब आप लोग चॉइस फिल कीजिएगा तो अपने हिसाब से जिस भी प्रायोरिटी को सबसे ऊपर रखना है वो रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कूच बिहार एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको मैंने यहाँ रखा है। आपके प्रायोरिटी में ये नहीं हो सकता है, और हो सकता है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन ना लेना हो, लेकिन मैं एक रैंडमली यहाँ पे भर रहा हूँ। आप लोग जब भी जिस कॉलेज में एडमिशन आप लोगों को लेना होगा उसको आप लोग नंबर वन प्रायोरिटी में रखिएगा, उसके बाद बाकी कॉलेजेस को आप लोगों को नंबर टू प्रायोरिटी या नंबर थ्री प्रायोरिटी या नंबर फोर प्रायोरिटी में रखना है। और आप लोग यहाँ पे जितने नंबर ऑफ चॉइसेस चाहें वो नंबर ऑफ चॉइसेस आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस दिखाते हैं तो नेम वाइज दिखाता है, जो ए से इंस्टीट्यूट का नाम होता है वो सबसे पहले, बी से उसके बाद, सी से उसके बाद, डी से उसके बाद। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया है, जादवपुर यूनिवर्सिटी को जाके आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं। और आगे चल के मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि इन सारे जो आप लोगों को यहाँ पे अप और डाउन का ऑप्शन दिख रहा है, अप और डाउन करके आप लोग इस नंबर को अगर ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो ये ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों को एक लॉक भी करना पड़ता है। लॉक करने से क्या होता है कि आप लोगों की ये फाइनल हो गई, उसी कॉलेज मतलब उसी प्रेफरेंस को आप लोग लॉक कर दिए हैं और उसी प्रेफरेंस पे आप लोगों को कॉलेज मिलने के चांसेस वो रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जाके आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चॉइस फिलिंग में दिक्कत आती है, आपको पता नहीं है कि यार किस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, तो आप जो वो टॉप कॉलेजेस इन WBJEE जो एक वीडियो हमने कर रखी है, टॉप कॉलेज इन WBJEE आदर्श बंडवाल लिख लीजिएगा, या फिर गूगल पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं टॉप कॉलेज इन WBJEE आदर्श बंडवाल, वहाँ पे आप लोग जाइएगा तो एक लमसम आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। देखो ये कहीं पे कोई रैंकिंग तो ऐसे मिलती नहीं है कि इस कॉलेज को आप नंबर वन कहें या इस कॉलेज को आप नंबर टेन कहें, बट एक लमसम आइडिया आप लोगों को मिल जाता है कि कौन सी कॉलेज ठीक ठाक है और कौन से कॉलेज में हम लोगों को थोड़ा परहेज रखना चाहिए। तो वहाँ पे जाके देखिएगा और होपफुली वहाँ से सारे डाउट जो आप लोगों की वो क्लियर वो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आगे चल के और भी वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।